तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव गेम दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि व्हाइट पीसेस से खेल रहे थे एडोल्फ एंडरसन और उनके ओपोनेंट का नाम मुझे पता नहीं चला रिसर्च करने पे भी। और दोस्तों इस गेम में व्हाइट ने अपने बहुत सारे पीसेस सेक्रीफाइस किए, इवन सभी पीसेस सेक्रीफाइस कर दिए सिवाय क्वीन के। और जिस समय व्हाइट ने ब्लैक का चेकमेट किया उस समय ब्लैक के पास लगभग सभी पीसेस थे, और साथ ही साथ व्हाइट ने इस गेम को सिर्फ 17 मूव्स में चेकमेट कर दिया। और दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गेम है, तो चलिए दोस्तों इस गेम को ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एडोल्फ एंडरसन ने शुरुआत की E4 से, तो उनके ओपोनेंट ने यहाँ पे चला E5, और उसके बाद यहाँ पे एडोल्फ एंडरसन ने अपने नाइट को निकाला C3 पे, यानी कि वियना गेम। तो ब्लैक ने वैसा किया सिमेट्रिकल वेरिएशन। और दोस्तों अब इसके बाद यहाँ पे व्हाइट ने अपने पोन को F4 पे चला, यानी कि दोस्तों ये गेम किंग्स गैम्बिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ब्लैक ने इसे एक्सेप्ट किया और व्हाइट ने अपने नाइट को F3 पे निकाला। तो दोस्तों कई बार किंग्स गैम्बिट में क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि किंग्स गैम्बिट में जैसे कि आप देख सकते हो व्हाइट कैसलिंग करने के बाद किंग साइड से ही ब्लैक पे अटैक करता है, इसलिए दोस्तों कई बार ब्लैक किंग साइड को तोड़ के ही व्हाइट पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आया G5, और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे व्हाइट ने चला D4, और ऑफकोर्स यहाँ पे ब्लैक अपने पोन को आगे बढ़ना चाहता था तो ब्लैक ने वैसा ही किया। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि इस नाइट पे प्रेशर है और ज़्यादातर खिलाड़ी से हटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एडोल्फ एंडरसन ने चला Bc4 एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे गैम्बिट के लिए इनवाइट किया ब्लैक को, यानी कि इस नाइट को कैप्चर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और एडवांटेज बनाने के लिए। तो ब्लैक ने इस गैम्बिट को एक्सेप्ट किया, और अब यहाँ पे वाइट ने इस पोन को कैप्चर नहीं किया बल्कि किया कैसलिंग। और दोस्तों अब यहाँ पे ब्लैक ने एक और पोन को कैप्चर कर लिया। तो जैसा कि आप देख सकते हो सबसे पहले एडोल्फ एंडरसन ने अपने एक पोन को दिया, उसके बाद एक नाइट को और एक वापस एक पोन को, और अभी दोस्तों सेक्रीफाइस आने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब एडोल्फ एंडरसन ने अपने बिशप से F7 के पोन को कैप्चर किया और दिया एक चेक। तो यहाँ पे ब्लैक ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया और बिशप को कैप्चर कर लिया। और दोस्तों इसके बाद व्हाइट ने क्वीन H5 चल के दिया चेक, एंड ब्लैक ने अपने किंग को E7 पे हटा लिया। तो दोस्तों एडोल्फ एंडरसन हमेशा कहा करते थे अटैक अटैक एंड अटैक, यानी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अटैक करना पसंद था। और अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस पोन से इस रूक पे अटैक है, लेकिन दोस्तों एडोल्फ एंडरसन इससे भी नहीं बचाया बल्कि अपने बिशप से F4 के पोन को कैप्चर कर लिया। लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हो कि A और F दोनों रुक आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं, सो यहाँ पे ब्लैक ने इस रुक को भी कैप्चर किया एंड वाइट ने वापस इसे कैप्चर कर लिया। तो दोस्तों अब यहाँ पे ब्लैक को एक सांस लेने का मौका मिला कह सकते हैं, और यहाँ पे ब्लैक ने चला Nf6। तो दोस्तों इसके बाद अब एडोल्फ एंडरसन ने बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम दिखाया। तो सबसे पहले यहाँ पे एडोल्फ एंडरसन चला Nd5 चेक, तो ब्लैक ने इस नाइट को कैप्चर कर लिया। एंड इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मूव आया Bd6। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्लैक अपने पोन से इस बिशप को बिल्कुल कैप्चर नहीं कर सकता, वरना नेक्स्ट मूव में यहाँ पे चेकमेट हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे ब्लैक के पास किंग के पास बचने का सिर्फ और सिर्फ इस बिशप को मारने के अलावा एक ही ऑप्शन है दूसरा, जो कि अपने किंग को E6 पर चलना, लेकिन इसके बाद एक ही मूव में चेकमेट हो जाएगी क्योंकि इस किंग के पास जैसे कि आप देख सकते हो कहीं भी चलने की कोई जगह नहीं बचेगी, राइट। सो यहाँ पे कैप्चर करना पड़ा ब्लैक को। तो दोस्तों इसके बाद अब वाइट ने अपने क्वीन से D5 के नाइट को कैप्चर किया, ब्लैक अपने किंग को पीछे ले गया E7 पे, एंड नेक्स्ट टू मूव्स में थ्री मूव्स में चेकमेट हो रहा है। तो सबसे पहले वाइट ने क्वीन से चेक दिया, और दोस्तों अब वही हुआ जो कि होना था, यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन को देना पड़ा एंड वाइट ने अपनी क्वीन से ब्लैक की क्वीन को कैप्चर करके दिया एक चेक एंड मैट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी वाइट के पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन बाकी है और कुछ ही पॉन्स बाकी हैं, जबकि ब्लैक के पास जैसा कि मैंने कहा पूरी की पूरी सेना है जो कि अंदर ही अपने ही घर में कैद हो गई। यहाँ पे ब्लैक का रुक नहीं निकल पाया बिशप, और इस बिशप को भी ब्लैक हटा नहीं पाया, और ये रुक भी यहीं पर कैद हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप मुझियो गैम्बिट में भी गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की गेम, प्लीज़ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और दोस्तों साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।